हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और न्यू वैकेंसी आ चुकी है। किसमें आई है न्यू वैकेंसी? कैंटोनमेंट बोर्ड जलंधर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं हम नोटिफिकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। नेम और पोस्ट अलग अलग है। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे एक ही ओवरसीर की, ड्राफ्टमैन सिविल की, ठीक है। एक ही यहाँ पे बात करते हैं जिसमें यूआर के लिए एक यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है, जिसमें लेवल 18 का रहने वाला है। 56,100 से 1,77,500 रुपये यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है, जिसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई है, ठीक है। तो आपके पास अगर बीटेक करा है तो आप लोग अप्लाई जरूर करें इसमें। अब सेकंड की बात करें ओवरसीज में, ठीक है, इसमें आपके पास एससी में एक यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसका लेवल 11 है। इसमें बात करते हैं पे स्केल की, 38,500 से 1,22,700 रुपये यहाँ पे रखा गया है। इसमें बात करते हैं डिप्लोमा मांगा गया है किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब बात कर लेते हैं थर्ड वैकेंसी की, ड्राफ्टमैन सिविल की, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, ठीक है। एक वैकेंसी है यूआर के लिए, एक वैकेंसी है, ठीक है। एक एक करके ऐसी वैकेंसी आती रहती है ड्राफ्टमैन की। लेवल आप देख सकते हैं बेहतरीन लेवल है, लेवल 11 का है, जो मिलता नहीं है ड्राफ्टमैन को आसानी से। आपके पास 38,500 से 1,22,700 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यानी कि जेई का ही लेवल रखा गया है। इसमें बात कर लेते हैं हम क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन में मांगा है। इसमें आप बात करें सूट प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन सिविल में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपके पास 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियर में हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम डिसिप्लिन, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास मेनली डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको सेम रखा जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा आपके पास है या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियर में है, तभी आप लोग ड्राफ्ट में सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 11 का बेहतरीन लेवल है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग उसमें वैकेंसी आई है। तो आप लोग जो जो अगर रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। अब इसमें हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फीस की। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, ठीक है। ओबीसी के लिए 300 रुपये रखी गई है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, 21 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जो अच्छी खासी एज लिमिट है। आप लोग अप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 12/1/2023 से खुल जाएंगे फॉर्म, जो 5/2/2023 तक रहने वाले हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा और आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप लोग डायरेक्ट इसके लिंक में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं jalandhar.kent.gov.in डालते ही आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको आपको भरना है। लास्ट डेट की बात करें 5/2/2023 यहाँ पर रखी गई है लास्ट डेट, ठीक है। जैसा इसका सिलेबस आउट हो जाता है, वैसे ही हम इसका सिलेबस आपको ले आएंगे, ठीक है। इसका सिलेबस जैसे ही आउट होगा, वैसे ही यूट्यूब में आपके पास उसको पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। एक एक पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पोस्ट ना छोड़िए, सब फॉर्म भरिए, ठीक है। बाकी अगर आप ड्राफ्टमैन की तैयारी करते हैं तो हमारे हमसे आपके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पीडीएफ है, बेस्ट पीडीएफ रहती है, वहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और मिनिमम प्राइस में रहेंगे, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ पोस्ट कम रहती है, मिनिमम प्राइस में रख देते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। बाकी इसका अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, इसका प्रीवियस सर देखेंगे, अगर मिल जाएगा तो सॉल्व करा देंगे, और किस हिसाब से पेपर आया था वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।